यूं तो आपको गोवा में काफी टेस्टी फूड मिलेगा, पर मेरा मानना है कि अगर आप गोवा के तिब्बत कैफे नहीं गए तो आप काफी कुछ मिस करने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि यहाँ का ना सिर्फ वाइब बहुत अच्छा है बल्कि यहाँ का खाना भी सुपर टेस्टी है। तो ये था इनका एंट्रेंस, यहाँ से आप अंदर जाते हैं एंड दिस वॉज द मेन्यू। वेल, आपको बता दूं कि हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की थी। सबसे पहले था ये मशरूम चिली, ओ माई गॉड, इट वॉज सो टेस्टी, यमी फ्रेंच फ्राइज। ट्रस्ट मी, मैंने काफ़ी जगह मशरूम चिली खाया है बट इसका टेस्ट वॉज सो ऑसम। प्लस यू नो, जब आप एक हल्के से म्यूजिक में और एक बहुत ही अच्छी वाइब के साथ खाना खाते हैं तो बात ही अलग होती है। नेक्स्ट, दिस वॉज द वेरी फेमस, वेल बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो गए थे, मैं कन्फ्यूज हो गई थी देख करके, ये वेज क्रिस्पी है। सेकेंड जो बाउल में आपने देखा, दैट वॉज सूप प्लस नूडल्स, मैं आपको एग्जैक्ट नाम बता दूंगी। दिस वॉज वेज क्रिस्पी एंड दिस वॉज लुकिंग सो यमी। ये मुझे पहले बहुत ही सिंपल सा लगा पर बहुत टेस्टी लगा यार, अगर आप हेल्दी खाने के शौकीन हैं ना। एंड वेज क्रिस्पी वॉज सो यम। वेल, इतना ही नहीं, यहाँ पे वाइड वेराइटी ऑफ फूड्स हैं एंड ट्रस्ट मी, यहाँ पे आपको मेजरली फॉरनर्स मिलेंगे, इंडियंस बहुत कम मिलेंगे। बहुत ही चिल काइंड ऑफ वाइब है, बहुत ही प्यारी वाइब है। तो अगर आप गोवा विजिट कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि आप एक बार इस कैफे में ज़रूर विजिट करें, बिकॉज इट्स टेस्टी एंड अफोर्डेबल। ये देखिए, मैंने मशरूम चिली खाया था एंड माय गॉड, आई कांट टेल यू, मेरे को वीडियो बनाते टाइम बिना मुँह में पानी से आ गया, इतना प्यारा। वेल, नॉट जस्ट दिस, इनका इंडियन खाना भी हमने ट्राई किया था। टू बी वेरी फ्रैंक, वेज बिरयानी मुझे ओके लगी, कुछ बहुत खास नहीं लगी। तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट फिर भी मैंने रेफरेंस के लिए वीडियो डाल दी है इफ़ यू वॉन्ट टू यू नो हैव अ टेस्ट ऑफ इंडियन। बट वेज बिरयानी आप स्किप भी कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें इनकी अच्छी थी। एंड यू नो, आप मुझे एक बात बताइए कि इस कोका कोला की बॉटल को देख करके किस किस को अपना बचपन याद आ गया है। वेल, मुझे तो ज़रूर आ गया था, इसीलिए मैंने इसकी भर भर के वीडियोज़ लिए। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, कि ये जो कैफ़े है ये है मॉरिन बीच के पास, मैं आपको एक्जैक्टली लोकेशन टैग कर दूँगी। एंड यू कांट बिलीव, दिस इज़ सो, इतना सस्ता खाना, इतना सस्ता खाना, मतलब हमने इतनी सारी डिशेज ऑर्डर की थी एंड यू वोंट बिलीव कि हमारा जो बिल था वो कहीं पे भी मतलब वो 1200 के ऊपर गया ही नहीं था। एंड मैंने सबसे पहले एक फ़ोटो लगाई हुई है बिल की, जिसमें आप देख सकते हैं कि यार बड़ी प्यारी सी वाइब थी। अगर आपको अच्छा खाना खाना है विद गुड ड्रिंक्स एंड ऑल, यू कैन डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस एंड इट इज़ यमी। तो अगर आप गोवा जा रहे हैं ना, आप मेरा कहना मानिए, इसे पक्का अपनी बकेट लिस्ट में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट वर्थ मिसिंग। एग्जैक्टली द एम्बियंस, इंटीरियर, एवरी थिंग, मतलब मज़ा आ जाएगा यार, मज़ा आ जाएगा। लुक एट द सीनरी एंड द कैफे वॉज फुल ऑफ फॉरनर्स, फुल ऑफ यू नो द गुड वाइब्स एंड ऑल। एंड जो इसमें सर्व भी कर रहे हैं ना, लाइक वो लोग भी बहुत ही प्यार से आपको खाना खिलाते हैं, मतलब जस्ट कांट मिस इट, जेन्युइनली कांट मिस इट। सो आप भी जाइए और मुझे रिव्यूज़ में ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। आई एम गोना वेट फॉर योर रिव्यू। भाई, मैं तो दोबारा जब जाऊंगी गोवा तो मैं इस प्लेस पे ज़रूर जाऊंगी, फॉर श्योर, जस्ट लव्ड द प्लेस।